तो कल हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल के बारे में पढ़ा था। उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब ये सारी चीजें आप सोच रहे होंगे कि हम तो जानते ही हैं रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में, तो मैं ये बताना चाहूंगा अधिकतर तो वैसा ही है, लेकिन चूंकि जेड आने की वजह से मोनोटोनोसिटी नहीं आ सकती, लेस देन ग्रेटर देन वो रिलेशन हट जाते हैं। तो जैसे हमारे पास सपोज साइन जेड है, तो साइन जेड जो फंक्शन होगा वो सी टू सी हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, सच दैट साइन जेड इक्वल टू समेशन माइनस वन की पावर एन, और ऑड पावर होती है टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल एन जीरो से इंफिनिटी। तो साइन जो है वो एफ टी जी ऊपर हुआ, एफ जेड बराबर जिसको आप लोग लिखते हैं, एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो आप इसके साथ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, या मैं पावर सीरीज अभी बताऊंगा तो वहां भी आप पढ़ेंगे, तो ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आता है, मतलब ये हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कन्वर्स करती है। तो अभी तो मैं केवल लिख सकता हूँ इतना इतना ही कि कन्वर्जेज फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी। अगर आपको कन्वर्जेंस आता है तो आप चेक कर सकते हैं सीरीज की कन्वर्जेंस, नहीं आता है तो थोड़ा वेट करेंगे आप, तो लिखने किया जा सकता है क्योंकि जनरल टर्म पता है आपको, अल्टरनेटिंग टर्म है वैसे भी, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी होगी। इस तरह से एक रिजल्ट तो ये है आपके पास। दूसरा क्रॉस के लिए भी अगर आप ऐसा करें, सस्पेक्ट क्रॉस ऑफ जेड क्या होता है, क्रॉस का याद है जेड की पावर टू एन। अच्छा हाँ टू एन, यहाँ पर एन कर लेते हैं, जेड की पावर टू एन कर लेते हैं ना, ये तो अल्टरनेट से लेकर। यस सर, एन जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस वन की पावर टू है टेबल, तो आपके पास ये है, और यहाँ भी वही स्थिति है, ये लाइन यहाँ भी सही है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये सीरीज कन्वर्स करती है, ये आपके पास है। एक्चुअली यहाँ पर फिर एक सेंस आता है कॉन्वेक्स होने का, हम डोमेन के साथ यहाँ पर ये बताते हैं कि ये किसी भी कॉन्वेक्स में कन्वर्स करता है, डोमेन कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स अभी सरल शब्दों में आप कहें तो एक ऐसा डोमेन ज्योमेट्रिकली, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो उनको मिलाने वाली लाइन भी उसी के अंदर आ जाए। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा सेट अगर ले लूं तो ये कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि अगर मैंने जेड वन यहाँ और जेड टू यहाँ ले लिया तो उनको मिलाने वाली लाइन सेट से बाहर आ जाएगी, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो कोई भी जो पॉलीगन हम लोग बनाते हैं ऐसे, पॉलीगन कॉन्वेक्स होता है, सर्कल कॉन्वेक्स है, इलिप्स कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स डोमेन में ये रिजल्ट सही है, प्लीज याद रखिएगा कॉन्वेक्स डोमेन। तो कॉन्वेक्स का अभी इतना काफी है, कभी कॉन्वेक्स की जरूरत पड़ेगी डिटेल में, और चीजें भी लिखनी है अभी कॉन्वेक्स के बारे में। तो शब्दों को समझिएगा कॉन्वेक्स सेट, और गूगल पे हो सकता है तो जाइएगा जरूर, कॉन्वेक्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी पढ़िएगा। कॉन्वेक्स डोमेन का रोल काफी बड़ा है यहाँ भी और फंक्शनल में भी। तो हम ये कहेंगे कि कन्वर्जेंस फॉर एवरी कॉन्वेक्स डोमेन लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ये दो चीजें हैं, बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस हैं इनकी मदद से बना ही लेते हैं, वो आपको मालूम है।
इसके अलावा एक ऑयलर्स आइडेंटिटी है, क्या है वो? अगर आप cos z प्लस आयोटा टाइम साइन z करें तो कितना आ जाता है? e की पावर i z। वो सीरीज रखें टर्म बाय टर्म डिफरेंस, सॉरी समेशन कर लें। तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा समय लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स में ही बहुत सारी चीजें हैं, वरना हम बहुत लेट हो जाएंगे, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है बच्चों, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू वन। इसका प्रूफ कर लेते हैं। इससे प्रूफ के कई तरीके हैं, जैसे पहला तरीका मैं ऐसा करूं, कोई फंक्शन मान लो एफ जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड, तो एफ डैश जेड कितना आ जाएगा? टू साइन जेड का क्रॉस जेड प्लस टू क्रॉस जेड का माइनस साइन जेड, क्या आ जाएगा? एफ डैश जेड जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब एफ जेड एफ जेड इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एफ जेड कहीं पर भी ले लो, कांस्टेंट तो बदल नहीं सकता, तो एफ जीरो भी उतना ही होगा जितना एफ जेड होगा। यस, एफ जेड तो साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड है, और एफ जीरो कितना होगा? साइन जीरो जीरो क्रॉस जीरो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये। यस सर। दूसरा तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वन है क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, कल एक्सपोनेंशियल ऑफ हमने जो पढ़ा है आई जेड इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई जेड, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। और ऑयलर आइडेंटिटी से इसको क्या लिख सकते हैं? क्रॉस जेड टू कॉट आई साइन जेड, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर z प्लस, ऐसे भी किया जा सकता है, और भी तरीके आप ढूंढ ही लेंगे। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, तो आप लोग जानते होंगे, तो इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है सीखने लायक, जो मुझे लगता है, वो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ले कि जब आप रियल एनालिसिस में आइडेंटिटी ऐसी पढ़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स वन और जीरो के बीच में और क्रॉस स्क्वायर एक्स भी वन और जीरो के बीच में, क्योंकि अगर कोई संख्या इनमें से वन से ज्यादा हो गई तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा फिर, ताकि वन आ जाए फाइनली। जैसे साइन स्क्वायर एक्स को आप टू नहीं ले सकते, अगर साइन स्क्वायर एक्स टू हो जाएगा तो क्रॉस स्क्वायर एक्स को माइनस वन होना पड़ेगा ना, जो कि रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेन एट रियल नंबर पॉजिटिव और एट नेगेटिव, स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो यहां पर साइन और क्रॉस बाउंडेड फंक्शन हुए या नहीं? दोनों के बाउंड मिल रहे हैं ना? तो रियल हाँ बच्चों, तो रियल एनालिसिस पढ़ते समय हम ये जानते हैं कि ये बाउंडेड है, साइन एंड क्रॉस आर बाउंडेड फंक्शन। लेकिन जब मैं यहां पर बात करता हूं कॉम्प्लेक्स में साइन स्क्वायर जेड प्लस क्रॉस स्क्वायर जेड वन है,
और एडवर्मेट्रोन साइन स्क्वायर जेड 2022 है और क्रॉस स्क्वायर जेड को फिर मुझे माइनस 2021 लेना पड़ेगा। क्या ये वैलिड है, क्या ऐसा ले सकते हैं? सर कॉम्प्लेक्स में ले सकते, कॉम्प्लेक्स में ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? बड़ी जोरदार चीज है बच्चों, जब मैं रियल एनालिसिस पढ़ाता हूँ या कैलकुलस तो मैं खुद कहता हूँ साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये माइनस वन से प्लस वन के बीच होता है। मैंने खुद पढ़ाया आप लोगों को कई बार, क्रॉस के लिए भी पढ़ाया। और अब मैं जब साइन और क्रॉस में कॉम्प्लेक्स में कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये अनबाउंडेड, ये जबरदस्त मतलब बदलाव है, खाली एक्स टी जो है जेड नहीं रखा है, ठीक हो गया। लेकिन बच्चों अगर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि साइन और क्रॉस अनबाउंडेड है प्रूफ करो, तो क्या मैं ऐसे लेके ये प्रूफ माना जाएगा जो मैंने ले रखा है, या इन जनरल प्रूफ करना पड़ेगा? यस सर, इन जनरल करना पड़ेगा। इन जनरल करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो यार इसे आप क्वेश्चन मानिए, आप अपने लिए होमवर्क। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको आज करके ग्रुप में डालें या मुझे भेजें एक बार, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे सिंसियरली इसको कर सकते हैं, चाहे अपने मन से ट्राई करें चाहे गूगल की मदद से ट्राई करें, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि जब आप साइन जेड लेंगे ए टू द पावर आयोटा जेड माइनस ए टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन टू वाई, और जो क्रॉस जेड है पर आयोटा जेड प्लस ए टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन टू, ये ले लीजिए आप और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मॉड लेके कुछ सोचिए, कुछ करिए, जेड की जो एक्स प्लस आई वाई रखिए। इतना हिंट दे रहा हूं मैं आपको, बाकी फिर हो जाए अच्छी बात, ना हो जाए आपके पास गूगल है यूट्यूब है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पूरा सॉल्व करने के बाद एक बार मुझे जरूर भेजें, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग घर पे बैठ के होमवर्क भी करते हैं। क्योंकि आप इंटरव्यू में आप ऐसे नहीं बोल सकते वहां पर कि सर ये कुछ भी रख सकते हैं, उसने कहा वो तो ठीक है आपने कैसे रखा, आपको कैसे पता साइन इतना वैल्यू ले सकता है, तो आपको जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग ये काम करेंगे। जनरल प्रूफ महत्वपूर्ण है हाँ, साइन और क्रॉस पर, ठीक। और इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें आती हैं जैसे साइन ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, तो जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये वैसे ही होता है जैसे साइन ए प्लस बीटा फॉर्मूला है। ऐसे कई सारे फॉर्मूले होंगे साइन में भी क्रॉस में भी, प्लीज इनको भी आप ट्राई करिए। और ये फॉर्मूले वही आते हैं ऑलमोस्ट जो रियल एनालिसिस में आते हैं, फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं। यहां तक समझ में आया या नहीं आया सभी लोगों को? yes. तो कुछ आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं आपको देना चाहूंगा, तो मैं ही करता हूं। प्रूव दैट any zero of sine function is real, that is आप ये कह रहे हैं कि अगर साइन जेड कहीं पर जीरो है तो जो जेड जिसको कह रहे हैं वो सी को नहीं बल्कि आर को बिलोंग करे, ये प्रूफ करना है। तो साइन जेड अभी मैंने ऊपर लिखाई है, फिर आप इसको जीरो कह रहे हैं तो ए टू द पावर आयोटा जेड माइनस ए टू द पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन टू वाई, हम इसे जीरो करेंगे। अच्छा
तो आपके पास क्या है, e टू द पावर आयोटा जेड और टू आई तो जीरो जी साइड चले जाएगा, इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा जेड। टोटल हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल ऑफ आई जेड टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा जेड, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा जेड लिख सकते हैं या नहीं, ऐसा पढ़ा था? यस सर। यस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ए टू द पावर टू आयोटा जेड इक्वल टू वन, ये ठीक है। तो ए टू द पावर टू वाई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू वन, ए टू द पावर माइनस टू वाई इक्वल टू वन, अब क्या करें और बताएंगे? सर कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं मॉड्यूलस ले लूं तो एक्स्ट्रा मॉड फॉर ई टू द पावर माइनस टू वाई टू वन, ऐसा ले सकता हूं? यस सर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं होता है तो रियल है ना वाई, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल का कभी एट सेट से इसको टच ही नहीं करेगा, तो एक्स्ट्रा मॉड लेके कोई फायदा नहीं, ऊपर ही रहेगा। ई टू द पावर टू वाई एक्स वन आएगा क्योंकि एक्स रियल है, कल बात हुई थी ई टू द पावर आई थीटा में अगर थीटा रियल हो तो ये वन आएगा, तो फिर ई टू द पावर माइनस टू वाई वन है। क्या मैं इसे ई टू द पावर जीरो लिख सकता हूं? तो वाई क्या आ जाएगा, जीरो। तो जेड जो था आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई था, तो एक्स प्लस आई इंटू जीरो, तो चल एक्स बचा तो ये रियल हो गया, तो जेड भी इसका मतलब रियल है। ये सब आप जानते ही हैं ऑलरेडी, तो साइन कहां पर जीरो होता है, तो साइन फंक्शन के जो जीरो है वो सब रियल रियल लाइन पर लाइन। ये कॉम्प्लेक्स में इन जनरल ऐसा सभी के साथ नहीं होता। क्या कुछ समझा पाया कुछ चीजें, थोड़ा नया दे पाए नहीं आप लोगों को इसमें? यस सर। यस यस सर। मैं देख रहा हूँ उमरेशन सर ने कुछ और दे रखा हो कुछ चीजें, तो देख लेते हैं कुछ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी बाकी चीजें जो मैं इसमें देख रहा हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शंस मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये बेसिकली आपने रियल में ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में पढ़ी हैं चीजें, तो कुछ कुछ जानकारियां होंगी आप लोगों को, सारी जानकारियां। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो हम लोग इस पर ऐसे पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक जेड, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल जेड माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जेड
अपॉन टू, मतलब जिसको आप सॉर्ट में, प्लीज देखिए आयोटा हट जाएगा, आयोटा नहीं है मतलब फॉर्मूले में, क्योंकि जब आपने साइन जेड लिखा था तो ये लिखा था ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड पॉइंट टू आई, तो सभी से आई हटा लीजिए, ये है सेंस। और क्रॉस हाइपरबोलिक जेड, क्योंकि इन जो ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक ज्योमेट्री की तरफ ले जाते हैं आपको, तो वैसे ये भी ई टू द पावर जेड वैसे ई टू द पावर माइनस जेड पॉइंट टू। रियल पोर्शन के लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें रिवाइज कर लीजिए, तो ये पहला पॉइंट है आपको। दूसरा, यहां भी कुछ रिजल्ट सेम है, साइन हाइपरबोलिक जेड, आई साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन आई जेड, क्रॉस हाइपरबोलिक जेड, क्रॉस आई जेड, क्रॉस में लेफ्ट में आई नहीं आता, और साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड तो माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड, क्रॉस हाइपरबोलिक माइनस जेड ख्याल से हमारी जरूरतें इतनी ही होती हैं उसमें, तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ता उसमें, ठीक है। हाइपरबोलिक इंट्रोड्यूस करने जैसा है कि हाँ इतने से काम चल जाए, बाकी मत करिए उसको, कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में मैं प्रूफ भी करूंगा। तो मैं जो नेक्स्ट जो मेन महत्वपूर्ण है, और वो खैर आर्ग्यूमेंट की वजह से चल आपने कई चीजें सीखी होंगी नहीं, तो जो अगला फंक्शन मैं बताना चाहूंगा, मैं हाइपरबोलिक के बारे में इतना बहुत है आपकी जानकारी, कहीं इतना दुपटा आ गए सवाल है कुछ तब मैंने रिवाइज किया है। बेसिकली अब जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक, थोड़ा सा पहले अच्छा डेफिनेशन तो बतानी पड़ेगी। लॉग एक फंक्शन है और जो नॉन जीरो पे डिपेंड है, तो जीरो हटा लेते हैं, टू जी सस्टेट लॉग ऑफ जेड, हम बेस ए मान के चल रहे हैं सब जो ना, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आई आर्ग्यूमेंट जेड, फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है। इसके लिए मैं हिंट देता हूं आपको, देखिए प्लीज लॉग जेड है ना, तो नॉर्मली हम एक्स प्लस आयोटा वाई रख लेते हैं, तो अगर मैं कभी एक्स की जो आर क्रॉस थीटा और वाई की जो आर साइन थीटा रखूं, तो आप लोग बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो क्या रखना चाहिए मुझे, तो आर स्क्वायर, इन दोनों से ये रिजल्ट मिलता है सभी को मालूम है या नहीं, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। सो लॉर्ड जेड एक्स जो आर क्रॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉमन क्रॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ आर ई टू पावर आई थीटा। अगर मैं इसे अलग अलग कर लू तो लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ ई टू द पावर आई थीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्या फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख सकता हूं,
यस सर, हाफ लॉग आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले टर्म को सॉल्व करिए, आर स्क्वायर में से टू को आगे ले आइए, पॉजिटिव है तो लिख सकते हैं ऐसे। आर स्क्वायर क्या हुआ? और थीटा का मतलब अभी तो यही आएगा, फिर थीटा हम तो इसको मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कर लें, तो आपके पास लॉग ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस आई टाइम्स आर्गुमेंट जेड। बेसिकली ये जब पहला आर्गुमेंट लिख रहे हैं तो मुझे कैपिटल लिखना चाहिए था प्रिंसिपल। आर्गुमेंट तो मल्टी वैल्यूड है ना, ये कैसा है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, या आप एरो मत लाइए बट ऐसे लिख दीजिए, बट आर्ग्यूमेंट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ जेड इज ऑल्सो मल्टी वैल्यूड, तो इसे सिंगल वैल्यूड बनाना पड़ेगा, तो हम ऐसे यूज करते हैं। एक मिनट, कुमरेशन सर ने क्या दिया है सिंबल, मैं भी वही सिंबल यूज कर लेता हूँ। कैपिटल लॉर्ड हम कैपिटल ए जैसे हैं यूज कर लेंगे, प्रिंसिपल सिंगल वैल्यूड जैसे में बनाएंगे, तो तब तो हम इसको ऐसे यूज कर लेते हैं आई कैपिटल आर्ग्यूमेंट से। और अगर स्मॉल लॉर्ड ऑफ जेड किया जाए तो इसका मतलब हुआ इन जनरल, ये तो प्रिंसिपल के लिए है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई आर्गुमेंट जेड की जो क्या रख सकते हैं, कल पढ़ा था हमने, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, यस सर, तो आपके पास ये आ गया लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई टाइम्स स्मॉल आर्गुमेंट जेड इन जनरल है प्लस टू एन पाई ए। एन जीरो रख लो पर्टिकुलर, तो ऊपर वाला मिल जाएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू फ्री है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ यहां पर पीरियड कितना है? टू पाई आई। जब आप साइन एक्स प्लस टू एन पाई साइन एक्स बोलते हैं तो पीरियड कितना बोलते हैं रियल में? टू पाई कहते हैं, एन वन रख लेते हैं मिनिमम, तो टू पाई पीरियड हुआ ना साइन का रियल में पढ़ाते समय, तो यहां पर एन वन रख लीजिए तो टू पाई आई, तो लॉग का पीरियड कितना होता है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो पीरियड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ रियल नंबर नहीं है, ये आपके पास लॉगरिथम के बारे में, तो हम उसे सिंगल वैल्यूड बना के काम चलाते हैं नॉर्मली,
क्या यहाँ तक समझ में आई या कोई दिक्कत आ रही है? सर ये मल्टी वैल्यूड है, फिर भी इसे फंक्शन क्या बोल रहे हैं? वो तो हम आर्गुमेंट को भी बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वो तो रियल फंक्शंस के लिए सिंगल वैल्यूड बात आती है। यस सर। अब तो मल्टी वैल्यूड में आएंगे, वो फंक्शंस की जो जो डेफिनेशन आपकी होती थी वो केवल वही काम आते हैं रियल वाली, कॉम्प्लेक्स का तो परसेप्शन ही अलग है ना। सर कॉम्प्लेक्स में नहीं थी फंक्शन की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल सेंस तो अलग है ना, कई जगह जैसे जीरो की बात आती है तो वहां जीरो का मतलब है जो एक्स एक्सिस को कट करे, तो वो लाइन पे था ना पूरा। यस सर। हाँ तो जैसे आप लोग एक्स और वाई मिला के टू डायमेंशन पे काम कर रहे हो रियल एनालिसिस में भी, डोमेन एक्स कोऑर्डिनेट पे चलाऊंग और आप रेंज वाई कोऑर्डिनेट चलाऊंग चलाते हैं, ऐसा करने के लिए यहाँ पर आपको फोर डायमेंशन चाहिए। कितने चाहिए? फोर डायमेंशन। फोर डायमेंशन तो हमारे विजुअलाइजेशन में संभव ही नहीं है, हम कैसे बनाए? तो हम फोर डायमेंशन जब नहीं है तो हम तोड़ तोड़ के दो दो डायमेंशन में काम चलाते हैं, मतलब हम एक को एक्स वाई कहते जेड प्लेन बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ले जाते हैं, एक को यूवी प्लेन बोलते डब्ल्यू प्लेन बोलते होंगे आप लोग, ऐसे कॉम्प्लेक्स में ऐसा पढ़ा होगा आपने। यस सर। आप यहाँ लेफ्ट में डोमेन में कुछ लेते हैं, राइट में उसका इमेज देखते हैं, जबकि रियल एनालिसिस पढ़ाते समय सिंपल है, आप एक्स एक्सिस चलाओ डोमेन की वैल्यू देखिए एक्स की वैल्यू और वाई एक्सिस चलाओ रेंज देखिए, तो फंक्शन का ग्राफ आपको 2D में दिखता है। प्लीज ये बहुत बारीक छोटा सा लगता है, नेग्लिजिबल पॉइंट लगता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो आप बेसिकली उस समय आप प्लेन पे स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो ग्राफ चल रहा होता है वो एक्स वाई प्लेन में चल रहा होता है, जिसमें आप डोमेन को एक्स कोऑर्डिनेट घोषित करते हैं, रेंज वाई कोऑर्डिनेट चलाते हैं, है नहीं ऐसा? आप यस सर। बेसिकली जब वन डायमेंशन की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप टू डायमेंशन में डायग्राम बनाते हैं पूरे रियल के। कार्तिक मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। लेकिन जब टू डायमेंशन में आप बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप बनाएंगे, तो उसकी इमेज भी टू डायमेंशन में जाएगी, तो टोटल डायमेंशन हो जाते हैं फोर। अब प्रॉब्लम क्या है कि फोर डायमेंशन विजुअलाइज तो होता नहीं है जो एक साथ बना ले हम, तो हम क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, दो डायमेंशन एट जगह, दो डायमेंशन एट जगह। जैसे मैंने ये सबसे नीचे अभी बनाया है, आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मल मैपिंग या कई चीजें एमएससी में पढ़ी होंगी, तो आपने ड्रॉ किया होगा, लेफ्ट में डोमेन मानते हैं आप, राइट में उसकी इमेज मानते हैं, है या नहीं ऐसा? यस सर। तो क्या मैं दिमाग में कुछ नया डाल पाया? यस सर। और लोगों को बात समझ में आ रही है क्या कहा? यस सर। यस सर। अरे सब यस सर मशीन की तरह मत बोलो भाई। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी लाइन, रियल एनालिसिस हम बच्चों को कहते हैं कि अरे रियल में क्या है, एक लाइन पे स्टडी है। अरे लाइन पे क्या है, जब डायग्राम बनाओगे तो आप एक्स वाई प्लेन में ही तो बनाते हो, रियल में भी आप फंक्शन का ग्राफ तो ऐसे ही बनाते हो ना भाई। ये तो आपका नाम की स्टडी वन डायमेंशन की है कहते हैं, लेकिन बेसिकली जो डायग्राम बनते हैं वो टू डायमेंशन में बन रहे, नहीं बन रहे रियल में, सोचो। यस सर। हाँ आपका जो डोमेन है वो वन डायमेंशनल है एक्स एक्सिस में, डोमेन मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट, रेंज भी वन डायमेंशनल है, लेकिन पूरा एनालिसिस तो प्लेन जैसा चल रहा होता है टू डायमेंशन में। तो मैं ये कह रहा हूं अब तो हमारी परेशानी है जी, हमारा डोमेन ही टू डायमेंशनल है एक्स वाई प्लेन में, कॉम्प्लेक्स में। अब टू डायमेंशनल डोमेन हो जाता है, टू डायमेंशनल उसकी रेंज हो जाती है, तो हमें कितने डायमेंशन का स्पेस चाहिए था वैसे, सोचो स्टडी करने के लिए। हमें फोर डायमेंशनल स्पेस में स्टडी करनी चाहिए थी। अब तो फोर डायमेंशन में बनाएंगे कैसे, ये शुरुआती बहुत बड़ी दिक्कत रही होगी। तो उन्होंने क्या कर लिया फिर उसको,
टू एट तरफ डोमेन बनाते हैं, टू एट तरफ रेंज, और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मान लीजिए स्टडी करते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं उसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं समझा पाया या नहीं? यस सर। मैं यही तो yes, हाँ मैंने अभी पूछा था आपसे कि क्या मैं कुछ इस लास्ट पॉइंट में कुछ नया समझा पाया आप लोगों को, तो जो नया है उसकी वैल्यू समझिएगा प्लीज, अगर मैं समझा पाया तो। क्या कहा मैंने मनोरमा? सर जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है उसके लिए हमें मतलब उसमें हम उसको फोर डायमेंशन में स्टडी नहीं कर सकते, तो हम उसे एक डोमेन लेंगे और एक उसकी इमेज लेंगे, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दोनों टू टू डायमेंशनल होंगे, फिर उसकी मैपिंग देखेंगे। और रियल एनालिसिस में? रियल एनालिसिस में सिर्फ वैसे वन डायमेंशनल होता है, बट हम जब उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो टू डायमेंशनल। हाँ डायग्राम तो टू डायमेंशनल में दिख रहा होता है ना हमको प्लेन में, क्योंकि वन डायमेंशनल डोमेन वन डायमेंशनल रेंज। मेरे ख्याल से आप सभी लोग कन्विंस होंगे ना कि कुछ ये नया था इस सेंस में। चलो यस सर ठीक है, अब हम लोग क्या टाइम हो रहा है यार 8:20 पे मिलते हैं।